गुड मॉर्निंग कोहिनूर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर आपका बहुत अपना डॉक्टर एजाज वारिस। क्या हाल है जी आप लोगों के? उम्मीद करते हैं हमारा 10 बजते ही इंतजार तो करते होंगे कि आज जेजी आएगा और अद्भुत क्या हमसे बात करेगा। नाजिन बहुत बहुत शुक्रिया ऑसम फीडबैक का आप जो देते हैं हमारे शो के बारे में। आपको हमारी सच सच करने वाली बातें अच्छी लगती है। हम यहाँ सच ही बोलते हैं, दिल का शो है और जो बात दिल से होती है वो हमेशा सच ही होती है। आज का जो मौजू है हमारे शो का वो है तारीफ। पता नहीं हम लोग क्यों हिचकिचाते हैं तारीफ करने में दूसरे की। अगर आपका दोस्त अच्छा काम करे तो उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे आप बस दिल में तो कहेंगे यार ये हमसे आगे चला गया है, लेकिन तारीफ नहीं करते। ट्राई टू यू नो जरूरी है लाइफ में अच्छी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स को इंडल्ज करना, उनको एम्पावर करना। सो आई थिंक तारीफ कर देंगे किसी की तो बहुत खुशी भी होगी, आपको भी अच्छा फील होगा और जो अगला बंदा है उसका दिन बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये है आज का हमारा मौजू जो हम करेंगे बातें अपने गेस्ट से भी, तारीफ क्यों नहीं करते हम लोग आखिर। और आप भी हमें दीजिए अपना फीडबैक थ्रू हमारा व्हाट्सएप नंबर कि आखिर तारीफ क्यों नहीं करते हम लोग, है ना। आज नाज़रीन हमारा शो बिल्कुल भी आम नहीं है। आज का शो खास नहीं इतना खास है कि आज यहाँ पर लेजेंड्स आ चुके हैं। और मैं कह रहा था अभी स्टार्ट में कि आज वाकई मेरा शो जो है वो एम्पावर्ड हो गया है कि आज यहाँ पर जो शख्सियात आ चुकी हैं वो वाकई यहाँ बसती हैं। आज के जो मेरे पहले गेस्ट हैं ही इज अ सुपरस्टार लेजेंड। जितना काम किया कमाल कर दिया, ऐसे ऐसे ड्रामे ऐसे ऐसी फिल्म्स के आप लोग बस कहते हैं वाह क्या बात है इनकी। और एक लॉन्ग लिस्ट है अमेजिंग परफॉर्मेंसेस की। और जिस महफिल में जाते हैं आजकल वहां की जान बन जाते हैं। हाल ही में इनका एक नया अवतार सामने आया कि सच बहुत दिल से बोलते हैं और ऐसा सच बोलते हैं कि लोग हिल जाते हैं। ओ माय गॉड क्या बात है इनकी। आपके हमारे पाकिस्तान का शान पाकिस्तान का मान, तो वन एंड ओनली सुपरस्टार लेजेंडरी एक्टर ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने इतना काम किया है कि मैं कहता हूँ हमें पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है शोबिस की वो इनके बिना अधूरी है। लेट्स इनवाइट अवर वेरी ओन सुपरस्टार राशिद महमूद साहब जो आज जैजी के शो में लैंड कर गए सुपर से बहुत बहुत ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? मैं बिल्कुल वैसे का वैसे ही और अल्टीमेटली आज आपके प्रोग्राम में भी मुलाकात तो कहीं दाएं बाएं होती है, बहुत होती है, लेकिन इट्स ए प्लेजर फॉर मी आपसे मेरी ये कैपिलेशन और आपसे नहीं हमेशा से। सर लेकिन एक बात पूछ जा रहा हूँ मैं आपसे जी, ये जो आपकी एलिगेंसी है और ये जो आपके अंदर एक अपनापन है कि बाय डिफॉल्ट ही ऐसा है, क्योंकि लगता है जब मैं मिलता हूँ ना आपसे मुझे बहुत ही अपनापन फील होता है। देखिए वो जो बीइंग मुस्लिम एंड बीइंग ह्यूमन बीइंग, रब ने एक जब बाबा आदम को जमीन पे भेजा था, आपका मौजू जो आपने बताया exactly, वो उसमें शामिल हो जाएगा। तो रब ने जिस भी पहले बाबा आदम को जब उतारा था तो साथ कुछ चीजें जो हैं वो डिसाइडेड थी, वो आज तक कयामत का वो जो आखिरी लम्हा है तब तक वो वैसे ही फिजिकल इम्प्लीमेंट्स नहीं। उसमें एक सबसे पहली ये थी कि आप जो एक्ट करोगे रिएक्ट उसका मिलना है आपको। मौजा मौजा जो है वो रब ने नबी पैगंबरों या अपने प्यारों को दिए। हम ऐसे कहाँ ऐसे हैं कि वो सारी प्रिविलेजेस जो है वो रब हमें भी दे देता। तो हर ह्यूमन बींग। और फिर दूसरा सबसे ज्यादा रब के यहाँ जो पसंदीदा अमल है वो उसकी मखलूक से प्यार। तो आप तो सारे मेरे अपने यार, मेरे कबीले के हो, मेरे इस जिस नहज पे और जिस स्नेरियो पे जिस टारगेट पे मैं जिंदगी में निकला था हम सारे अपने अपने उसी पे निकले। तो सो ये कोई ऐसा मैं इसको अपने लिए कोई ऐसा प्लस पॉइंट या कोई ऐसी खूबी नहीं समझता, ये करना चाहिए हम सब। तो मेरी इस तरह की एफिलिएशन है आप सब से। सुपर से बहुत बहुत ऊपर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके अमेजिंग प्रेजेंस का, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। ओ माई गॉड जो साथ बैठी हैं कहाँ से तारुफ शुरू करूँ मैं उनका। वो भी एक ऐसी है सुपरस्टार जो शायद पैदा ही रूल करने के लिए हुई। एंड वन थिंग मोर, शी इज अ थॉरो प्रोफेशनल फॉर श्योर। टाइम अगर 8 बजे है तो मतलब 8 ही है, डॉट टाइम 8 बजे। क्या बात है इनकी। स्टेज की वो कत्ताला जो दिलों पर राज करती रही और आज तक कर रही है,
सुपरस्टार जब आपके कितने दिलों में बसते हैं तो उनके अपने एक ऑरा होता है, उनका अपना एक करिश्मा होता है। ये भी ऐसे ही है, जितनी ये खूबसूरत हैं उतनी ये दिल की बहुत अच्छी हैं। आजकल सिंगिंग सेंसेशन बन गई हैं और क्या परफॉर्मेंसेस देती हैं कि मज़ा आ जाता है ईमान से। सीरियसली आई हैव सीन हर लाइव कॉन्सर्ट्स आल्सो। सही मानों में ट्रू परफॉर्मर है नाज़रीन। आपका जो कहते हैं ना, सही मानों में ख्वाब पूरा होने जा रहा है आज फिर से, क्योंकि आज हमारी बहुत ही प्यारी सुपरस्टार लेजेंडरी एक्ट्रेस ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने स्टेज पर राज किया है और अब गानों के जरिए वो राज कर रही हैं। हाल ही में इनका PSL का सॉन्ग आया, आई सेड मेघा जी आ जाइए ना, महफिल आपके बिना अधूरी है। तो लेट्स इनवाइट पाकिस्तान अगेन शान मान से द स्टेज का थाला हियर ऑन स्क्रीन मेघा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और इतना अच्छा लगता है जब भी आपके शो में आती हूँ, और बहुत अच्छा तब लगता है जब मेरे अपने मेरे साथ मौजूद होते हैं। मैंने कॉम्बो बनाया आप, और यकीन माने कि आप को अल्लाह पाक सलामत रखें और मेरे देखने वालों को अल्लाह पाक सलामत रखें, कि न्यूज को वॉच करने वालों को अल्लाह पाक सलामत रखें। आप लोगों की वजह से हम दोबारा मिल जाते हैं, और ये खुशियाँ, ये छोटी छोटी प्यारी बातें ये हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और पाकिस्तान में आपको पता है कि खुशियों के मौके वैसे बड़े लकीली मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग फ्रस्ट्रेटेड भी हैं, और फिर कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा लोगों में एक कह लें कि कमी सी आ गई है, तो ये खुशियों के मौके हैं। तो PSL एक ऐसा इवेंट पाकिस्तान में दोबारा से हुआ, और फिर ये पूरा पाकिस्तान में हो रहा है, जो कि सबसे ज्यादा राजस्थान खुशी की बात है। तो इसको एंजॉय करने के लिए, इसमें एक हिस्सा मैंने भी पार्टिसिपेशन करने के लिए, मैंने कहा यार व्हाई नॉट, हमें भी इसमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं देखा अक्सर जगहों पे माशाल्लाह से बहुत अच्छा जॉब आपने किया, थैंक यू सो मच, आला गाना है वो, थैंक यू। तो और हमारे एक और गेस्ट भाई यहाँ बैठे हैं, बल्कि मजेदार टैलेंट है वो भी। अगर मॉडलिंग की बात करें, फैशन की बात करें, तो एक ऐसा चेहरा जिसने क्वालिटी वर्क किया है, ही हैज बीन वेरी सिलेक्टिव इन हिज चॉइस ऑफ वर्क, अमेजिंग डिजाइनर्स और प्रोफेसर उन्होंने काम किया है। और अली बर्ड जो हैं वो आज लैंड कर गए हैं जैजी के शो में, विच इज अमेजिंग वर्क इन फैशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप पकड़ लीजिएगा हाथ में, कैसे हैं आप? देखा बताओ कि अली, तुम्हें हैव यू एवर थॉट कि आज तुम्हारी मॉर्निंग जो है वो इतनी ब्लेस्ड होने वाली है? सामने लेजेंड्स हमारे बैठ गए आपके, देखे ना आज तुम बहुत यहाँ सीखने वाले हो, पता हर लफ्ज जो बोलेंगे वो एक लेसन होगा। जबरदस्त, वेलकम ऑन द शो। और नाज़रीन स्टार्ट करेंगे शो का PSL सॉन्ग बाय मेघा जी। आपको वीडियो दिखाते हैं, फिट वीडियो है, अपने PSL थीम को उजागर करेंगे, वापस आएंगे तो जाएंगे टू वर्ड आशीष साहब, अब सेगमेंट स्टार्ट करेंगे मेरी कहानी मेरी जुबानी। लेट्स सी द सॉन्ग। अब सर क्या गाना था, मजा आ गया। PSL का मेला सजेगा इस कदर उसपे इसकी गाने की लॉन्चिंग पे। एग्जैक्टली मेगा जो है ये मेरी बड़े लाडलियों में से है। हमने बहुत सारा काम किया, फिल्म में भी किया, टेलीविजन पे भी किया, और एक नॉर्वे की एक टीम ने यहाँ आके मुख्तारा माई पे फिल्म बनाई थी एक, उसमें इसने मुख्तारा माई का ऐसा आउटस्टैंडिंग रोल किया, मैं उसमें अब्बा बना हुआ था। तो मैं पता नहीं वैसे भी इसका अब्बा ही हूँ, ये मेरी उस लाडली इतनी है कि मुझे इससे इस कदर मेरी एफिलेशन है, और इस कदर वेल मैनर्ड, कमिटेड, पेशेंस, और अपनी जमीन अपने रूट से जुड़ी हुई। मैं इसको जब इसके मुख्तलिफ शोज में जो एफिलेटेड लोग होते हैं हमारे दूसरे, मसलन अब इसके ये इस तरह उनके साथ ज्वाइन करती और उसमें ऐसा ऐसा कंट्रीब्यूट करती, इसको वो को पैसों पैसों की तमा नहीं, वो जोड़ने वाले जो होते हैं ना, वो पता है मुझे, ये खर्च करके खुश होती है, और रब जो है वो देता भी उनको है जो मुख्तलिफ इस तरह के लोगों के साथ जुड़ के करते। तो ये मेरी लाडली में से परफॉर्मर पर मेघा जी एक बात बताएं मुझे आप, मैं भी स्टार्ट में ही बात कर रहा था कि जब दूर से मैं देखता हूँ इनको इवेंट्स में, तो एक अपनापन क्यों लगता है मुझे? देखिए अंदर बहुत ही अपनापन है वैसे। बेसिकली हम शोबिज फैमिली है ना? आपको पता है कि, और एक तो रिश्ते खून के होते हैं और एक रिश्ते होते हैं मोहब्बत के,
जिनमें कोई लालच नहीं होती। अब इतनी माशाल्लाह प्यारी बातें राशिद साहब करते हैं कि अब तो मैं, मेरे पास अब अल्फाज नहीं है कि मैं कोई बात करूं, क्योंकि इनका कहना कह लें कि वो एक पत्थर पे लकीर है जो मिट नहीं सकती। तो मेरे लिए इतने अच्छे अल्फाज वो बोलते हैं, मुझे अपना समझते हैं, और बहुत कुछ सीखा है मैंने इनसे। हमने बहुत सारा काम इकट्ठे किया है, सागर सिद्दीकी का आपने टाइटल रोल किया था, और उस ड्रामे में मतलब कि देखें, फिर दो बूंद पानी हमने इकट्ठे फिल्म किया, बहुत सारा काम हमने इकट्ठे, बिल्कुल ऐसे। और फिर थोड़ा सा मैंने जब ट्रैक चेंज किया तो उसमें भी इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, मुझे गाइड किया। अभी रिसेंटली मैं एक शो को भी होस्ट कर रही हूँ, उसमें भी मैंने इनको इनवाइट किया। तो यकीन माने कि ये अपने ही होते हैं जो आपका साथ देते हैं, और आप भी अपने, और हमारा न्यू टैलेंट भी हमारे सामने बैठा हुआ है, और बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि देखिये, हमने अपने न्यू टैलेंट को भी गाइड करना है, उनको साथ लेकर चलना है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि आपने जो सीखा वो आगे आपने डिलीवर भी करना है। तो जो कोई अच्छे तरीके से मिलेगा, मतलब दिल भी करता है फिर उसको बताने का, सिखलाने का। पता क्या है मेगा, आज का बच्चा जो उसमें एक मोस्टली, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, एक अनड्यू तेजी है उनमें, ऐसी वैसी कर रहे हैं यार। तेज रफ्तारी जो है ये जबिल्लत है बंदे की। जब आप किसी भी टारगेट पे निकलते हैं तो आप चाहते हैं कि मैं इस पे स्पीडी पहुंचूं। एग्जैक्टली। लेकिन जब आप अपनी रेजिस्टेंस, अपनी एनर्जी, उससे एक अनड्यू तेजी जब करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपके गिर पड़ते हैं। तो इसलिए तो कहते हैं कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, और यही माइंड ज़हन में बैठी हुई है। इत्तेदाल एक रफ्तार का हुस्न भी रखना चाहिए, इक़दार का हुस्न भी उसमें शामिल हो तो आप स्टेबल होते हो। तो वो जो ये प्रिकॉशंस रख के निकलते हैं, मेबी थोड़ी बहुत देर हो जाती है मेगा उनको, वैसे भी राशिद साहब लॉन्ग लाइफ हो जाती है। सही कह रहे हैं, आजकल वैसे भी बहुत ज्यादा फॉर्मेट आ गए हुए हैं तेजियों वाले। सर मेरी कहानी, मेरी जुबानी, आई नो ये कहानी बहुत आला और तवील है, लेकिन थोड़ा सा उसको आप कर लें कॉम्पैक्ट। दस बरस अभी मेरी उम्र नहीं थी, मैं और इरफान कूसर साहब, वाह, लिविंग लेजेंड है मेरे मुल्क का और मेरी सारी जिंदगी का साथ है उसका। हम दोनों, दस बरस हमारी उम्र नहीं थी जब हमने रेडियो पाकिस्तान से अपने शोबे में आगाज किया था, और रेडियो पाकिस्तान भी ये नहीं जो ये लाहौर वाला जिसका इफ्तिताह यूब खान साहब ने किया। इससे पहले एक छोटा सा मेगा हुआ करता था उधर गवर्नर हाउस की बैक पे, एक घर में था रेडियो पाकिस्तान ना हुआ, वहाँ से स्टार्ट लिया। उसके बाद फिर पढ़ाइयाँ भी चलते रही, अब्बा ने कहा था फेल नहीं होना तो फिर तो इजाज़त है, और अगर कहीं तो मैं कभी ज़िंदगी में पढ़ाई में फेल नहीं हुआ। फिर इसी रेडियो पे आहिस्ता आहिस्ता जो जो उम्र बढ़ती चली गई, तो जितनी भी ऑडियोग्राफी की असनाफ हैं सारी की सारी मैंने सब पे काम किया, और मेरे अल्लाह ने मुझे उसमें मुआफ़कत भी अता की। असल में हमने अपने बड़ों पे, जब मैं रेडियो पे हम गए थे तब सूफी तबस्सुम साहब रेडियो पे हुआ करते थे, बहुत नासिर काज़मी जिसके अशार मोस्टली आज बच्चे पढ़ते भी हैं, लिख लुख के भी भिजवा देते हैं दूसरों को, तो वो भी थे रेडियो पे। मिर्जा अदीब साहब इस तरह, मुस्तफ़ा अली हमदानी साहब, अखलाक अहमद देलवी साहब, अजीज़ुर रहमान साहब, मुजफ्फर, ये सारे के सारे। और फिर जो स्टेशन डायरेक्टर्स और जो प्रोड्यूसर्स हुआ करते थे वो भी सारे बहुत बड़े। तो रेडियो ने सबसे बड़ा जो फ़ायदा दिया ना मेगा मुझे, वो मुझे कि एक तो लफ्ज़ों का हुनर आ गया हमें, और फिर लफ्ज़ों की हुरमत जो है उससे आशनाई दी उसने रेडियो ने। फिर उसके बाद स्टेज का एक अरसा चला वो कहा, लेकिन ये स्टेज वो है जब वो सिर्फ वो ड्रामा हुआ करता। फिर उसके बाद मुझे टेलीविजन पर मौका मिला, कराची से मेरा इंट्रोडक्शन जो है वो कराची से, और मेरा कभी कभी मैं क्या बड़ी कसक होती है मेरे दिल में कि काश इस बिल्ली के गले में घंटी जो है मेरे लाहौर से बंधी होती, लेकिन वो जिंदगी में हमारी सराउंडिंग में खोचल भी तो होते हैं ना सारे के सारे, लेकिन जो कमिटेड और पेशेंस वाले लोग होते हैं उनको रोक नहीं पाता। सही बात है। मैं कभी मांगने नहीं गया था, क्योंकि मैंने रब से मांगा सारी जिंदगी, आज भी
24 घंटे कुछ ना कुछ मांगते हैं, प्रभु हमें देता है। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि उसको पता है इनके सारे बिलीव जो वो मुझी पे हैं और किसी पे नहीं। फिर वहाँ से मेरा आगाज टेलीविजन जो हुआ वो कराची टेलीविजन से मेरा पहला सीरियल था शाहीन, उसमें मैंने वो स्पेनिश किंग फर्डिनेंड का रोल किया और फिर उसके बाद यह सिलसिला आज तक इस लम्हे मौजूद तक चल रहा है। इसी के बिटवीन ये फिल्म ने मुझे, फिल्म वालों ने बुलाया, तो सबसे पहली जो फिल्म मैंने उर्दू की वो नजर शबाब साहब की, सलमा अगर ताज़ा ताज़ा पाकिस्तान आई थी, वो भी थी उसमें जावेद शेख साहब। फिल्म कौन सी थी वो? फिल्म थी एक से बढ़कर एक। ओके। और वो कमर्शियली भी बहुत अच्छी रही। फिर उसके बाद ये एजाज दुरानी साहब अल्लाह गरी के रहमत करे, बहुत बड़ा नाम, पहली जो पंजाबी फिल्म थी उसके प्रोड्यूसर ये थे एजाज दुरानी साहब, उन्होंने मुझे कास्ट किया और फिल्म के डायरेक्टर थे मौला जट फेम यूनुस मलिक साहब, फिल्म का नाम था मौला बख्श। अब वो जो दौर था उसमें वो सैंडो वाले हुआ करते थे विलन, बहुत भारी भरकम, और तो उसमें एक उनका जो बच्चा है जो पढ़ा लिखा है एब्रॉड से आया, ये तो मेरा नेगेटिव रोल था, तो वो उसमें वो। फिर उसके बाद फिल्म का सफर, फिर ये एक चैनलों की भरमार आई, तो हम रोज आपको दिखते हैं कभी इधर कभी उधर, तो अल्लाह, तो इस तरह ये सारे का सारा कुछ चला। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मुझे इसी मुल्क में मेरे इसी काम से मिला। मेरे पास जो मुस्तनद अवार्ड है इस मुल्क के, उसमें ग्रेजुएट अवार्ड हुआ करते थे मेरे पास, वो भी हैं। मेरे पास निगार अवार्ड भी हैं, बुलान भी, और बेशुमार जितने भी मेरे मुल्क हैं वो आपके पास भी है, हमारे पास भी। तो एक धर्म है जो बड़ी डिग्निटी और वकार से चलते चलते अब इस लम्हे मौजूद में हम आपके प्रोग्राम में बैठे हैं। अब यकीन करें कि मुझे तो ख्वाब लग रहा है कि मैं आपको सुन रहा हूँ शो में, सीरियसली रोशनियां चल रही हैं, राशि साहब सामने बैठे हैं, जैसे ये प्राइड मोमेंट है कि राशि महमूद साहब हमारे साथ बैठे हैं, मुझे सुनने में मजा आ रहा है, मैं सुन रहा हूँ आज, मैं चुप हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे, बस ये पल अब ना कैद करने हैं अपने पास, सही बात है, मजेदार पल है टाइप, क्योंकि लेजेंड्स के पास बैठकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और इन्होंने जो नाम जो इज्जत बनाई मेरा ख्याल वो बहुत कम लोगों के हिस्से में आती है। एक बार मुझे आपसे भी पूछनी है, सत्याना कैसे बोलती है, हर लव जो है ना वो आपका एक मतलब होता है सांचे में ढला हुआ, मैं कैसे अल्फाज कहूँ, आला है आप भी। एक तो जैसा कि उन्होंने कहा कि आप जब बहुत ज्यादा काम करते हैं तो आप बहुत ज्यादा सीखते भी हैं। Exactly. तो जब से हम लोगों ने इस फील्ड को ज्वाइन किया, मेरा ख्याल है कोई जम्हा ऐसा नहीं किया कि हम लोगों ने परफॉर्म ना किया हो। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो ये प्रैक्टिस ही है, जहाँ हम जाते हैं बोलते हैं हम अपनी गुफ्तार से किरदार से अपने आप में बहुत ज्यादा ग्रूमिंग करते हैं, और आज भी सीख रहे हैं। मेगा पढ़ी लिखी है, बच्चियां देखने नहीं आ रही, ये पढ़ी लिखी है, पढ़ लिख के आई है सारी की सारी। पढ़ाई जो है, एजुकेशन जो है, वो आपको एक शऊर ग्रूमिंग देती है, और फिर जब आपके अंदर पेशेंस होते हैं उसको सीखने के, ये सारी जिंदगी सीखने का, इसमें कोई उस्ताद ही नहीं। मुझे बाद मेरे बच्चे ये जो है उसके उस्ताद जो से, मैंने क्या तबला सीखा है तुझे यार, मैं तो खुद अभी बेटा सीख, तो इसमें होता है उस्ताद, लोग कहते भी होते भी, एक्सपीरियंस जो है वो तो काउंट करता है बिल्कुल। लेकिन मेगा ये कमल नसीर की अम्मा मोहनी हमीद हमारी ब्रॉडकास्टिंग में, उनसे बड़ी मैंने ड्रामे की आर्टिस्ट अपनी जिंदगी में नहीं देखी, और मेरा ख्याल मैं देख भी नहीं पाऊंगा। तो एक बार उन्होंने हम उनको बहुत सीखा हमने उनसे, तो मैंने एक बार कहा कि आप तो हमारे उस्ताद, कह लगी नौ शागिर्द रहने राशि सारी जिंदगी, नौ उस्ताद आप शागिर्द होगी तो जिंदगी की आखिरी लम्हे तक आप सीखते जाओगे, आपका इल्म बढ़ता चला, जहां आप उस्ताद बन जाओगे उस दिन ब्रेक लग जाएगी, क्योंकि आपको तो उस्ताद कंसिडर कर लिए, फिर आप आगे तो सो, हम तो सीखने के अमल में हैं, हम सब सीखने के अमल में, लर्निंग प्रोसेस में, लर्निंग प्रोसेस में बिल्कुल। मेघा जी आपकी कहानी हम एक बार फिर सुनना चाहेंगे, क्योंकि हर पल नए व्यूअर्स बता आपको आ रहे हैं और वो आपको डेफिनेटली बिल्कुल। और सबसे पहले अगेन थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। दूसरा ये कि मैं समझती हूँ कि कहानी तो अभी स्टार्ट हुई है, और आप मुतमईन नहीं होते, आप हर वक्त इमेजिनेशन की दुनिया में रहते हैं, और जैसा कि बातें हो रही थी कि
इसमें बड़ा काउंट होता है आपकी तालीम का, आपकी तरबियत का, और ये सारी चीजें आपके घर से स्टार्ट होती हैं। तो ये ग्रूमिंग जब आपको घर से बहुत अच्छी मिलती है ना, तो मेरा ख्याल आपका सफर थोड़ा इजी हो जाता है, मंजिलें तय करना आसान हो जाती हैं। तो एक फोकस था मेरे जहन में, एक लाइन ड्रॉ की हुई थी मैंने जैसी कि मैंने इसको क्रॉस नहीं करना, और वो मैंने नहीं की, और उसी में रहते हुए फिर अल्लाह ने मुझे इज्जत भी दी, नाम भी दिया, मकाम भी दिया, और माशाल्लाह जितने अवार्ड्स के नाम राशिद साहब ने लिए वो सब मेरी टेबल पर भी हैं। तो वो ये देखिए, ये अवार्ड्स बेसिकली होते क्या हैं, वो एप्रिसिएशन, वो एक्नॉलेजमेंट जो आप दिन रात एक करके कर रहे हैं, आपको उसका रिवॉर्ड मिल जाता है। तो मेरा ख्याल है स्लो एंड स्टडी विंस दी रेस, आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और ये हर बंदे की कहानी होनी चाहिए। मैं कोई बड़ाई बयान नहीं करूंगी कि मैंने वो मार्का मार दिया, मैंने ये कर दिया, अभी कुछ भी नहीं किया। अभी तो जिस फील्ड में अब मैं दोबारा आई हूँ, जो सिंगिंग की लाइन है, मैं कहती हूँ ये बहुत बड़ा समंदर है, अभी तो मुझे इसमें बहुत आगे जाना है और डूब कर जाना लेकिन है। आप छा गई हैं उसके अंदर, सुरों के सही आप उठाती हैं और मजा आ जाता है। अब ये भंगड़ा क्वीन इसको कहा जाता है, दुनिया स्टेज से भंगड़ा क्वीन तक का सफर यही ना, ये बहुत मुश्किल है, और उसके लिए आपने अपनी जिंदगी दे दी है। हम अपने लोगों की खुशियों में नहीं गए, हमने अपने घर की खुशियां नहीं देखी, हम अपने घर के गमों में शामिल नहीं हुए, हमने सिर्फ अपनी इस फील्ड को ही अपना ओढ़ना बिछोड़ना बना लिया। तो मेरा ख्याल है पब्लिक ने हमें ओन भी किया और हमें इतना प्यार भी दिया, और अब तो होस्टिंग भी कर रही हैं आप, वो भी कोई चीज उन्होंने छोड़ी नहीं वैसे, है ना, होस्टिंग में भी आ गई। वो कैसे एक्सपीरियंस जा रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है, और बल्कि क्या अच्छा, क्या जिस दिन राशि साहब आए थे तो उस दिन यकीन माने मैं अंदर से थर मैं सोच रही थी कि यार बहुत उम्दा किया, थैंक यू सो मच। तो यही वो चीजें होती हैं जो आपको आगे लेके चलती हैं, और बस मजा आता है। मैं अपनी इस फील्ड को इंजॉय करती हूँ, और मुझे मैं वो काम कर ही नहीं सकती जिसमें मुझे मजा ना है, मैं इंजॉय ना करूँ। देखो सीधी सी बात है, परफॉर्मर मतलब मैं जैसा आपने, सबसे ज्यादा मजा मैं अपने काम का पहले तो खुद लेते हैं। मुझे मजा आया तो फिर आपको भी आएगा। लोग मैं घर से सच सफर कराई हूँ ना, तो सबसे पहले मैं कहूंगी यस आज में अच्छी लग रही है, अब मजा आएगा। तो जब तक आप अपने आप को सेटिस्फाई नहीं करते, आप दूसरों को कैसे कर सकते हैं? ऐसा ही है। सो इसमें थोड़ी सी आपकी ग्रूमिंग बहुत मायने रखती है, सीखें और बहुत कुछ सीखें, और आपने सीखते ही जाना है। जब तक आप, आपका नॉलेज नहीं होगा, आप राइट लेफ्ट नहीं देखेंगे कौन क्या कर रहा है इन अ पॉजिटिव सेंस, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। अली क्या सीखा आपने इस पूरे 20 मिनट में? अभी टाइम गुजरा था राशिद सर ने जो बात की ना लर्निंग की, एक्चुअली वो चीज़ बहुत अच्छी है कि मैंने जब स्टार्ट किया था आज से 2015 में, आपकी कहानी है, तो उस टाइम मेरे एक हैं हमारे कराची में, हमारे बॉस हैं एजेंसी में होते हैं, उन्होंने मुझे कहा था अपनी लाइफ में कभी भी इस फील्ड में जाना तो पेशेंस सबसे ज़रूरी है, जिस टारगेट के लिए भी निकल रहे हो उसके लिए वक्त लगता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है सब्र, तो वो सब्र रखना पड़ता है। तो आज वो सब्र भी है, शुक्र अल्लाह का, काम कम करता हूँ लेकिन अच्छा करता हूँ, और 9-10 साल हो गए। हाँ, 10 साल हो गए हैं। क्योंकि देखिए ये लाइन आप थोड़ा सा ज़हन में रख लेना कि हैव पेशेंस अदरवाइज यू विल बिकम पेशेंट। क्या लाइन है, ये बहुत आला, बहुत जरूरी है कि आपने पेशेंस से चलना है और पंक्चुअलिटी के साथ, क्वालिटी। आपको काम मिलता है रिजेक्शन हो जाती है, तो वो कुछ जो आजकल के मेरी एज के लोग हैं वो कहते हैं यार बार बार रिजेक्शन, मैं कहा जिस दिन रिजेक्शन मिलती समझो तुम्हारा सक्सेस एक स्टेप बढ़ गया। ठीक है, तो मैं उसी चीज को लेके चलता हूँ। कौन कौन से डिजाइनर्स के साथ काम? मैंने HSY के साथ किए, वही ना HSY जब आ गया फिर तो आगे क्या रह गया, यूनिवर्स किए, चारकोल किए, अभी रिसेंटली मैंने वो अलिफ ड्रामा किया था। उसमें भी ये थे जी, हरी हरी चूड़ियां की है, उसके बाद एक्सपीरियंस ड्रामा वेरी गुड, मुझे बेसिकली सिखाने वाले खालिद भट्ट। खालिद भट्ट भी मेरे लाडले यारों में, सारी बहुत आला बंदे हैं, और इस कदर है, एक बार टेलीविजन पे पता नहीं क्या रिकॉर्डिंग कर रहे थे लाहौर पे, तो मैं सुन रहा हूँ, मेरा को गेटअप कर रहा था मेकअप, तो मैंने सुना बच्चे जो हमारे नई जन, तो उसमें वो को बातें करते रहे, कहने लगे उसने तो कहाँ से फैया दूंगा, मैं सुनता रहा, फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा ये किसने कहा था कि कौवा सफ़ेद होता है? तो पहले तो मैंने कहा नहीं बताओ, नाम बताओ किसने कहा था, उसने कहा जी खालिद भट्ट साहब ने कहा था।
अरे मैंने कहा वो बंदा गलत कभी नहीं बोलता, वो अलास्का से पकड़ के लाया होगा या किसी ने सफेद ला के दिया होगा, अगर उसने कहा तो हाँ कौवा सफेद इस कदर उसकी सारी वो कोई अंडी उसके मुंह से लॉजिक के बगैर उसकी जिंदगी में कहीं कुछ है ही नहीं। मैं जब पहले ड्रामा कर रहा था हरीरी चूड़ियां, तो मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, तो मुझे उसने कहा कि इत्थे आ मैं तेनू सिखाना, तो उन्होंने मुझे वो जो स्क्रिप्ट के वर्ड थे ना वो मुझे उन्होंने बोलना सिखाया कि किस तरह बोलते हैं, तो उसी को मैंने पकड़ लिया था और उसी को पकड़ के मैंने आगे 3 ड्रामास किए। तो आगे वही बात है कि आप सीखते रहते हो, तो ये जो कहता है ना कि जो भट्ट साहब की बात सुन के सीखते नहीं वो उनको फिर ऐसा सिखाते हैं कि वो फिर दौड़ जाते हैं बात से। तो मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया और मैं कहीं भी जाता तो मैं कहता हूं भाई मुझे सिखाने वाले हैं, तो आगे मैंने उनकी चीज पकड़ ली है। क्या बात है, आज की कहानियों की हर कहानी अपनी मिसाल आप थी, और स्टार्ट किया हम राशिद साहब से, फिर मेघा जी और फिर अब अली। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं शो का म्यूजिकल डोज का भी, और आपको देते हैं दावत क्या पाएंगे और छा जाइए, क्योंकि आप जब स्क्रीन पे आती है ना म्यूजिक के साथ तो फिर हम सिर्फ आपको सुन रहे होते हैं। तो आइए वेलकम बैक एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कोहिनूर चल रहा है जेजी के साथ, रोज देखते हैं, सर धुनते हैं, इंजॉय करते हैं, ऐसा ही है हमारा खास वाला शो। अच्छा मैंने एक सवाल करना आपसे, आपकी फिटनेस का राज मुझे जानना बहुत जरूरी है कि आप नाश्ते में क्या खाते हैं। मैं बताता हूँ जिंदगी में जब हम इन स्ट्रगल पीरियड में थे तो पैसे वैसे तो होते नहीं थे, थोड़े से रेडियो पे कौन से पाउंड आप भी नहीं मिलते, पहले भी नहीं थे कभी। तो मैं कास्ट वाइज मैं भी कश्मीरी, माजिश कश्मीरी का बेटा हूँ। मेरे घर में हमारे घर में ऐसा होता कि बच्चे 6 बैठे हुए 60 पाए मंगाए और खा गए। मैंने सारी जिंदगी अपने इस मैं अकेला बैठ के खाता हूँ अपने घर में भी, मुझे मेरे कमरे में, और मैंने खुराक जो है उसको कश्मीरियों में, हाँ ये होता है इतने इतने फिगर्स उनकी आउटस्टैंडिंग, खवातीन की भी मेल्स की भी, लेकिन जब उससे नीचे आते हैं तो वो पता नहीं खा खा के क्या बुरे हाल हुए। तो मैंने जिंदगी में मुझे वो कहते हैं ना बट गोरा ना हो और बट सोना ना हो, तो वो बट ही नहीं है। तो मैंने जैसी खाना जो सिर्फ जिंदगी में उतना खाता हूँ जिससे मैं जिंदा रह सकूं, खाने के लिए मैं जिंदा नहीं हूँ। कश्मीरी होने के बावजूद मेरे पास जब खा रहे होते मैं बड़ा खुश होता हूँ। हालांकि दाल चावल तो बड़े शौक से खाते हैं कश्मीरी, उनकी एक खास डिश भी होती है शादियों में होती है, बड़ी पत्ता उसको कहते हैं ना, जो मेहंदी वेंदी होती है उस रात पे, और वो इस कदर महंगी और आला डिश होती है कि वो जो ये मटन और ये बनता है बहुत। तो सो फिर मैं वॉक भी करता हूँ, वॉक भी, यानी कि आप खुश लिबास हैं, खुश खुराक से मिले वैसे खुश रहते हैं। फैक्ट्स बिलीवर हूँ, फैक्ट्स बिलीवर हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारी जिंदगी रहा। मैं दोस्तों को देख के रश किया करता था, हसद कभी नहीं की। मैं खुश होता हूँ अपने दोस्तों को उनकी कामयाबियों को देख के, मेरा कि ये मैं हूँ, जहाँ जहाँ ये रहेगा उनका सारी जिंदगी सराउंडिंग में एक मौका ऊपर से रब अता कर देता है। हम ये अपने अंडियों जो मसाइल हैं उसको पैदा करके तो अपनी वो मुआफ़कत जो है, वो ब्लेसिंग जो है जो हमें मुफ्त में मिल रही है उसको गवा लेते हैं, मैं नहीं गवाता। ठीक हो गया। और आप इस वक्त मोस्ट एक्टिव पर्सनालिटी हैं लाहौर में, कोई भी तकरीब हो बिल्कुल माशाल्लाह, मतलब हर जगह जाते हैं, अपनी प्रेजेंस देते हैं, तो इनकी प्रेजेंस ही उस तकरीब को 4 चांद लगा देती है कि, और इन जैसा बंदा आके किसी को अप्रिशिएट कर दे तो उसका दिल इतना बड़ा हो जाता है, तो क्या बात है जी। और हर एक को आप जैसा होना चाहिए राशिद साहब, क्यों नहीं है कोई आप जैसा, इतना सही बात है। सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे, नहीं आप बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे। आप क्या खाती है वैसे शौक से, डाइट कॉन्शियस है आप? तू मतलब हमारे ना जुनाजी ने वो कहते पूछा करें इनसे
कि क्या लोग खाते हैं, कि जैसे के वैसे के वैसे ही? असल में पता क्या बात है, ये भी कहना कि जैसे हैं वैसे ऐसा नहीं है। आपको देखिए टाइम, आप बिल्कुल टाइम आपको चेंज करता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप में बहुत सारी तब्दीलियां भी आती हैं और इसमें आपने बहुत ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन डबल करना पड़ता है, क्योंकि जब एक सर्टेन चीजें होती हैं उसमें आप बॉदर नहीं करते, जो मर्जी खा लिया जो मर्जी पी लिया, लेकिन आप जाहिर पता जब मैच्योरिटी की तरफ जाते हैं तो आपने बहुत सारी चीजें उसमें से चूज करनी होती है। अब मैं खाती तो सब कुछ हूँ लेकिन बहुत क्वांटिटी कम है, ये भी राज होता है। बिल्कुल, आपने क्योंकि जाहिर है देखिए इसके बाद गुजारा नहीं है, आप कैसे सरवाइव कर सकते हैं। दैट मीन्स आप सब खाएं, साथ उसको अपनी एक क्वांटिटी देखें, अपनी एक्सरसाइज करें। अभी भी मैं आपके शो पे आने से पहले सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करके आई हूँ, एरोबिक्स करके आई हूँ और अगर दिल करे तो लाइट सा डांस भी कर लेते हैं। तो ये आपको फिट लगता है, फिट लगता है ना, तो ये कि इसके बगैर तो जिंदगी ही नहीं है। तो अपने आप को एक्टिव रखें और अपने आप को फिट रखें। अब बाकी मॉडल्स तो कुछ खाते ही नहीं आप लोग? मैं कश्मीरी है, खाता तो होगा, आगे वॉक कर लेते हैं। ये अच्छा है, इसके बगैर हो नहीं सकता। और जिम भी साथ साथ सही है। और जिम की पोस्ट मैं आपकी देखती हूँ खाने की, जैसी आपको लेकिन आपकी सही बात कह रही है। मैं लगता कुछ भी नहीं खाता, जैसी एक्चुअली वैसे का वैसे। मैं भी क्वांटिटी कम खाता हूँ, क्वांटिटी कम जरूरी है। मुझे नहीं याद कि मैंने लास्ट टाइम पूरी प्लेट कब खाई थी बिरयानी, आई डोंट रिमेम्बर। दो दिन आज के मौजू पे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, हम लोग तारीफें करने में क्यों हिचकिचाते हैं? हम अगले बंदे की सक्सेस देखकर जेलसी पहले करते हैं दिल में, उसकी तारीफ करना चाहते ही नहीं। बहुत कॉमन चीज है, हम कहते हैं यार ये हमसे आगे क्यों जा रहा है, तो ऐसा क्यों है? आपसे आगाज करेंगे जी, बिल्कुल तारीफ के चाहते हैं हम। मैं जितनी गुफ्तगू मैंने की आपके सवाल का जवाब मुझसे आ ही गया, देखिए हर बंदा जो है ना उसका एक अपना नसीब है, अपना मुकद्दर है, बेशक अपनी उसकी शनाख्त है। रिप्लेसमेंट कोई किसी की नहीं होता, मैं इस पे बिलीव ही नहीं करता कि जी वो फला या फला। हर एक को रब ने एक एक्सक्लूसिव अता रखी हुई है। जो फिक्स बिलीवर होते हैं, जिनके ईमान पक्के होते हैं और बींग ए ह्यूमन बींग एक इंसानियत का एलिमेंट भी उसमें, तो उसकी सराउंडिंग में जितने सारे होते हैं वो उनको देखते खुश होते हैं। ये होते हैं कुछ जो कैथारसिस बंदे का हक है, लेकिन उसके लिए पेडेस्टल होना चाहिए, मैनर्स होने चाहिए। आप जब काम करते हो तो आप सारे देखिए, अकले कुल कोई नहीं, हम 100% कभी भी नहीं हो सकता ह्यूमन बीइंग, ना वो रॉबर्ट डेनिरो 100% है, ना अल्पाचीनो, ना कहीं ना कहीं कोताहियां सुकुम होते हैं इंसान में, और उसी इम्तहान के लिए तो रब ने भेजा था ना हमें। तो उसमें ये है कि जो लोग नहीं करते तो उनको भी कोई नहीं पसंद कर रहा होता। जब मैं किसी को नहीं मान रहा तो मुझे भी कोई नहीं मानेगा। मैं तो बच्चे जो आज के नए होते, अब यकीन करो जैसी मैं उनके जब भी, तो बार दफा मैं जो हैरान कह रहा है सुभान अल्लाह यार इसने क्या अच्छा परफॉर्म किया। इससे आपको बरकतें देती, और जो इस तरह की ये रखते हैं मोहब्बत जो है, ये जिंदगी में आप किसी से मोहब्बत करोगे तो आपको उसके रिस्पांस में मोहब्बत ही मिलेगी। जो एक्ट में कर नहीं रहा और मैं रिएक्ट उसका अपने तौर पे तवक्को रखे, मेरा एक्ट अगर पॉजिटिव है तो उसका रिएक्ट भी पॉजिटिव होगा। वाह, मोहब्बत आलमगीर कर देती है बंदे को। आप दिल से करो तो सही, हमारे यहाँ कोचल बहुत ज्यादा हो गए ना तेजियों वाले, तो वो आते जाते रहते कुछ नहीं फर्क पड़ता ऐसे लोगों को जो मोहब्बत करते हैं और दूसरों को ऑन करते हैं, दूसरों की खूबियों को मानते हैं, वही उन्हीं को नाम मिलते हैं। बहुत बहुत आला इनका जवाब मुझे लगा है। आप कंट्रीब्यूट क्या करेंगे इस जवाब में? ऐड कुछ करना चाहेंगे? बी पॉजिटिव। या एग्जैक्टली, जो हम नहीं करते। आई एम बी पॉजिटिव हर लिहाज से। नेहा जी बातें आपकी कमाल आ रही है। हमारा तो ब्लड भी बी पॉजिटिव, वही ना, हर लिहाज से बी पॉजिटिव। और इतना मैं कहूंगी क्योंकि सब कुछ बयान कर दिया राशि साहब ने कि कुछ आपका ब्लड भी काउंट करता है। आप वही किसी को आगे देंगे जो आपके पास होगा, जो आप ऑन करते हैं। तो जो इज्जतदार बंदा होता है वो आगे
रिस्पेक्ट ही दे रहा होता है और हमने ये प्रूव भी किया है। तो बाकी देखिए नसीब अपना अपना, कोई किसी के नसीब छीन नहीं सकता। आपने ये कंपटीशन तो करना है। देखिए जैसी मैं इस बात को भी ऑन करती हूँ कि जब तक आप कंपटीशन नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी में बहुत फर्क है और बड़ा एक बारीक सी लाइन का फर्क है, उसको मत क्रॉस करें। तो अप्रिशिएट करें और जिसे अल्लाह पाक की जात इज्जत दे आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, तो आपको ओन करना पड़ेगा। जबरदस्त, क्या बात है, कुछ ऐड करोगे? अब बे का नुक्ता नीचे कर लें तो बट हो जाए, ऊपर कर लें तो नट हो जाता है, तो यही डिफर है। हाँ, कहना है। लेकिन मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि आप जब किसी को अप्रिशिएट करते हैं ना तो उसमें अल्लाह आपके काम में बरकत डालता है। यस यस, ठीक है। तो हमेशा आपको अप्रिशिएट और दूसरे की खुशी में खुश होना चाहिए और मोहब्बत फैलाने से ही ये हमारे गेस्ट के असर है आप पे, इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं आप, यहाँ पे क्या हो गया? ये मैंने एक्चुअली लग रहा है अच्छा होके जाएगा यहाँ से इंशाल्लाह। दस सालों में सीखा भी है तो वो आज मैं जबरदस्त हो गया। आइए इसी बात पे कुछ गेम हो जाए। गेम क्या है? दिस और दैट। हम आपसे दो दो ऑप्शंस देंगे, आपने एक चूज करनी है, ठीक है? बड़े मजेदार ऑप्शंस आएंगी। आपसे सर स्टार्ट करते हैं, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब? इस वक्त तो राइज यूट्यूब। यूट्यूब, ओके। आप फोन कॉल और टेक्स्ट? टेक्स्ट, ओके। आप टेक्स्ट कर टोस्ट और एग्स? ओहो, क्या बात है। आइसक्रीम कोन और स्नो कोन? आइसक्रीम कोन ज्यादा प्रेफर करूंगा, टेस्टी होती है। नाइस नाइस। आईओएस या एंड्रॉइड? एंड्रॉइड। ओह, आप एंड्रॉइड लवर हैं, ठीक है, डन हो गया। बिग पार्टी और स्मॉल गैदरिंग? स्मॉल गैदरिंग, गुड गैदरिंग। हाँ, ये जरूरी है ना सर। न्यू क्लोथ्स और न्यू फोन? दोनों ही हो जाए तो नॉट बैड, दोनों हो जाए तो क्या बुरा है, क्या हर्ज है। सही बात है। रिच फ्रेंड और लॉयल फ्रेंड? लॉयल, बहुत जरूरी है। फुटबॉल और बास्केटबॉल? आई थिंक बास्केटबॉल। अच्छा, नाइस सर। नाइस कार और नाइस होम इंटीरियर? एक एवरेज जो है दोनों जगह जरूरी है। अंडियू नहीं है कि अब मैं फरारी लेने चल पड़ू इस सड़क पे, तो ऑक्सीजन जो लेके चला रहा मैं तो उसको भी मोटर पर ध्यान। वाह वाह वाह। स्नीकर्स और सैंडल्स? सैंडल्स, ओके। ग्लासेस और कॉन्टैक्ट्स? कॉन्टैक्ट्स, ओके। सही। तो ऑनलाइन शॉपिंग और शॉपिंग इन अ स्टोर? स्टोर, ऑनलाइन। ऑनलाइन मजा नहीं आता, ऐसे ऐसे खांचे और ऐसे ऐसे चोर भरे हुए, दो चार से मंगवाई, मंगाया कुछ निकला कुछ ऐसा ही भरे पड़े। सही बात है। मेरे मुल्क में ऑनलाइन आप लेके, वो पिछले दिनों पता नहीं किसका मैं देख रहा था, जुगन काजम किसी प्रोग्राम, उसने कुछ मंगाया तो अंदर से कुछ और ही निकला। हाँ, जुगन का ही था वो, बिल्कुल सही बात है। रिसीविंग में ईमेल और लेटर? ईमेल, ईमेल आजकल चल रहा है। सही बात है। पैसेंजर और ड्राइवर? पैसेंजर। सो यू आर दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन, राइट? ओके सर। मूवी पे कैंडीज या पॉपकॉर्न? पॉपकॉर्न इस उम्र में शूट कर। ओके सही। और लास्ट आपका है पेन और पेंसिल? पेन, ओके। एंड मनी और फ्री टाइम? मनी। मनी यानी पैसा है तो प्यार है। मनी विद फ्री टाइम, एग्जैक्टली। और इसी बात पे एक और गाने की दावत देते हैं आपको। अब क्या गा रही हैं आप इस दफा? कुछ सरप्राइज है हमारे लिए। यस, तो सरप्राइज हो जाए। राशिद महमूद साहब द वन एंड ओनली, मेघा जी द अमेजिंग वन, एंड अली बर्ट द न्यू चैलेंज। बगैर न्यू क्या, आप तो माशाल्लाह 8-9 साल से आप काम भी कर रहे हैं। सो आइए जनाब, बड़ा मजेदार माहौल जा रही हूँ सारी। आई एम श्योर आप चैनल आज चेंज नहीं कर रहे होंगे, बिकॉज आज जैजी का शो बहुत बहुत खास हो चुका है। आइए मेघा जी। जी, क्या बात है, क्या बात है, चांद नहीं, आठ नहीं, 16 चांद गाने से लग रहे हैं। और एक और गेम बहुत मजेदार फेवरेट है आप लोगों की, नाजन आप लोग जानते हैं। द गेम इज नाना करते हाथ तुम्ही से कर बैठे। सर हम कुछ सवाल करेंगे आप लोगों से, पांच पांच छह सवाल, स्टिक्स आपके हाथ में आएंगे, ये ऑनर्ड हो रही है आज। ओके ओके। एक पे यस है, एक पे नो है। ओके, आपने जवाब बताना है हमें यस या नो सुन, ठीक है जी। डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट? ओके, क्या बात है। सच्चा प्यार लाइफ में एक बार ही होता है? 52 बरस से एक ही घर में जाता है। ये चीज, क्या बात है, जबरदस्त हो गया। यस दिखाते हैं, यस दिखाते हैं, मोहब्बत। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आर यू चिकन कड़ाही लवर? नो।
बिल्कुल ठीक हो गया आप. डू यू लाई समटाइम्स? हार्मलेस टाइप के कभी कभी. ओके, जिंदगी गुलजार है. ओके, जबरदस्त हो गया. आपके दोस्त ज्यादा दुश्मन कम है? Oh my God, क्या बात है. और आखिरी सवाल ये है मेरे आपसे, आर यू अ पिज्जा लवर? आपकी बारी आ चुकी है. सच्चा प्यार बार बार हो जाता है? हमने डिफरेंट डिफरेंट सवाल रखे होते हैं ना. हैव यू एवर डांस्ड इन रेन? Many times. बारिश तो पता ना आपको जबरदस्त होती है. सही बात है. आर यू ड्रामा लवर? कौन सा ड्रामा देखती है आजकल? लास्ट टाइम तो वो देखा था मेरे पास तुम हो. oh, yeah, और फिर एक दो ड्रामे और चल रहे हैं. बस मैंने सबसे सवाल करना है इस गेम के बाद, एक ड्रामों के बारे में सवाल बहुत जरूरी है. आर यू चीज ऑमलेट लवर? कभी कभी. आपके दोस्त कम दुश्मन ज्यादा है? नहीं, मेरे दोस्त हैं. इसको हंस के निभाती हैं आप? क्या बात है. मेरी लाइफ का मोटो यही है. एंड लास्ट क्वेश्चन, डू यू लव द स्मेल ऑफ मेहंदी? चलो, थैंक यू सो मच. आई एम सॉरी फॉर आ गया. थैंक यू सो मच. अली, आपकी बारी आ गई. आर यू इन लव? Yes, you are. We know that. अब तो इनकी शादी होने वाली है. So, अब उसके लिए मुबारकबाद. हफ्ता रह गया, हफ्ता एक ही रह गया, बस चंद दिन रह गए. आर यू हाफ एंड एग लवर? नो. ओके, डू यू बिलीव इन लव एट फ्यू साइट्स? ठीक है, डन हो गया. आर यू सिनेमा लवर? जिंदगी बहुत टफ होती है, आगे आसान होती है. ओके, okay. जिंदगी प्यार का गीत है, इसको हंस के निभाते हो? थैंक यू सो मच अली, बहुत शुक्रिया. टाइम थोड़ा भाग रहा है और राशिद साहब को मैं विदा करना है, बिकॉज ही सच अ बिजी स्केड्यूल. यहाँ जा रहे हैं, वो इवेंट, ये इवेंट. लेकिन सर, एक सवाल जाने से पहले बहुत जरूरी है, बिकॉज मैं कब से था पूछूंगा मैं आपसे. आज का ड्रामा, 2021 का पाकिस्तान का ड्रामा हमें तो पसंद नहीं आ रहा बहुत ज्यादा, पता नहीं क्यों, क्योंकि पता नहीं क्या हो गया है हमारे ड्रामों को. आपका क्या टेक है हमारे ड्रामास पे? देखिए, सब कॉन्टिनेंट में ड्रामा पाकिस्तान से इजाद हुआ था. ठीक हो गया. और फिर उसके मेरे पड़ोस में, जिसकी आज हम नकल भी करते हैं, मिसालें भी देते हैं, वहाँ ना तो पैनल थिएटर का कोई कॉन्सेप्ट था, ना आर्ट मूवीज का. उन्होंने हमसे सीख लिया. लेकिन जब ये चैनलों की भरमार आई है ना, उसके आगाज में तो कुछ हमारे रूट से, हमारे कल्चर से रिलेटेड कंट्रीब्यूशन. रेटिंग 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 उसने बर्बाद करके रख दिया मेरे ड्रामे को. इससे इस तरह के जुल्म इजाद हो रहे. अरे, मेरे रिलीजन में तो औरत से रब ने जो रुतबा उस औरत को दिया, उसने जन्नत जो समप है मेरी जिंदगी का, कि मेरे मालिक बींग ए मुस्लिम मुझे मेरा जो जिंदगी में अमल किया उस मुझे जन्नत में लेके जा. उसने जन्नत औरत के मेरी माँ के पाँव के नीचे रख ली. हमने उस औरत को, आज जो ड्रामा चल रहा है, पता नहीं कौन कौन सी खवातीन इजाद हो गई, अचानक से उग पड़ी. सारी जिंदगी मैंने यही काम किया है. मेरे इल्म में था सीना मोइन है, भजिया है, फिर उसके बाद जब कुछ चुनो नूरुल हुदा शाह आई उसमें, और खवातीन में उमेरा अहमद है, एक आध और बड़ा मोतमर नाम है, आमना मुफ्ती है जिसने आके बढ़. उसके बाद एक अनड्यू इस तरह की इजादात हुई है कि औरतों पे जुल्म क्रिएट किए जा रहे हैं. मेरे रिलीजन में औरत को बहुत आला मकाम मेरे रब ने दिया हुआ है. और ये जो आप ये आज़ादियों के जी आज़ादी इजहार राय, हम ये मादर पितर आज़ादी नहीं है मेरे रिलीजन में. तो आज का ड्रामा आप देख रहे होंगे कि मैं किसी तलाक वाले ड्रामे में आपको नहीं दिखा आज तक, मैं करते ही नहीं उस तरह का. Exactly. तो ये कुछ कमर्शियल गिमिक्स, रेटिंग रेटिंग रेटिंग. अरे, इलेक्शन से बड़ी रेटिंग कौन सी होती है? सही बात है. उसका वो अमेरिका की इलेक्शन के बाद उन्होंने कहा ये खाचा लगाया इसने, ब्राइडन ने, उसने कहा इसने, ये दोनों एक दूसरे के. Exactly. तो रेटिंग आपकी कुछ कंट्रीब्यूशन की होनी चाहिए. कौन रेटिंग बनाता है मेरे मुल्क में? तो रेटिंग वेटिंग का क्या है, जिसकी जी चाहे
किसने बह के बैठा हुआ है, जो अल्लामा इकबाल, इनकी रेटिंग, ये सारे गिमिक्स हैं, मैं इस पर बिलीव ही नहीं करता। और हाल तो ये है कि एक ड्रामे की रेटिंग करने के लिए शक्ल बदल दी गई हीरोइन की, सर्जरी कर ली है उसने, ये इंडिया में होता था जी जी बिल्कुल, यहाँ फर्स्ट टाइम हुआ कि रेटिंग के लिए उन्होंने ड्रामे कंटिन्यू किया और उसको शक्ल बदल दी है, ये भी हो रहा है, सही बात है। लेकिन सर आपका आना, यू मुस्कुराना, यू बैठना, ये एक ड्रीम कम ट्रू, थैंक्स टू, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़े दिनों के बाद, सही बात है, बिल्कुल जी बिल्कुल सही बात है। बट आई एम रियली ऑनर टू हैव यू ऑन माई शो, आपका आना एक ब्लेसिंग है इस चैनल के लिए, इस शो के लिए, एंड थैंक्स टू, स्पेशल थैंक यू सैयद अमर फॉर ऑलवेज बीइंग देयर, ही इज एन जेम ऑफ अ पर्सन, है ना, अमेजिंग, सो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अभी हम जाएंगे टूवर्ड्स अ ब्रेक, वापस आएंगे तो बहुत सारा हल्ला गुल्ला, बहुत सारी बातें, ख्याल रखिए अपना, आते हैं छोटी सी जैजी ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग, कोहिनूर चल रहा है और पहले घंटे में राशि महमूद साहब का आना वाकई नेघा जी एक ब्लेसिंग था हमारे शो के लिए, आई फेल्ट सो ऑनर्ड कि वो यहाँ बैठे हुए थे। और अब जरा और बातें बहुत सारी करनी है अली और द ग्रेट मेघा जी से। मेघा जी वैसे एक बात बताएं, एल्बम का बताइए, उसके क्या सिनेरियोज हैं और क्या उसकी फीडबैक और तैयारियाँ, सब कुछ बताइए। सबसे पहले तो मैं फिर से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, और दूसरा मैं आपको बताऊँ कि आपने मेरे जो सॉन्ग सुने वो उसमें आपको ओरिजिनलिटी लगी होगी, exactly. उसमें आपको एक नया लगा होगा कि हर गाना डिफरेंट है पहले गाने से, बेस्ट थिंग। और मेरा जो फर्स्ट एल्बम है वो तारिक दाफ़ू साहब ने इसका सारा म्यूजिक दिया और डिफरेंट शायर्स के साथ हम लोगों ने काम किया। अब जो रिसेंटली मेरा सॉन्ग आया PSL का मेला चलेगा, उसके लिरिक्स लिखे हिजर हयात मून ने और अजीम अमीन ने, अजीम अमीन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वेरी नाइस। और इसको जो आपने सेटिंग देखी, जो हमने गुजरांवाला ग्राउंड में जाकर एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा। और सबसे पहले तो मैं जो हमारे ऑफिशियल्स हैं उनका थैंक यू करना चाहती हूँ, वाइस चेयरमैन PHA हाफिज निशान साहब का, तो उनकी मुआवजत के बगैर ये हो नहीं सकता था। हाँ। और आपको पता है पिछले दिनों बहुत स्मोक थी और फोग बहुत ज्यादा थी, exactly. और मेरी जितनी टीम एनर्जेटिक हुई हुई थी इस गाने को लेकर कि मुझसे पहले वो लोग सेट पे पहुंचे हुए थे, वो 5 बजे लाहौर से ऑनवर्ड्स ट्रेवल करके गए और 5:30 बजे हम लोग स्टेडियम के बाहर मौजूद थे और शूट स्टार्ट हुआ जब थोड़ी सी स्मोक कम हुई, exactly. तो ये एक टीम वर्क ही होता है और टीम के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। और जो आपने ये पूरी सेटिंग देखी है, जो पूरा कोरियोग्राफ किया है वो निशान अली और वकास अली ने किया है, और हमेशा मैं इस सामने बड़ी ब्लेस्ड रही हूँ कि मुझे बड़ी अच्छी टीम मिली है और मेरे जितने भी सॉन्ग्स हैं वो एक से बढ़कर एक और एक से एक नहीं मिलता, तमाम डिफरेंट है। तो मैं समझती हूँ कि आर्टिस्ट को वही काम करना चाहिए जो उसके अपने क्रिएशन से हो। अगर आपने कॉपी ही करना है तो क्या फायदा फिर आपको, आप यही कहते रहे कि जी मैं वर्स स्टाइल हूँ और मैंने नयापन देना है, तो देखिए आप किसी की चीज़ को कॉपी करके तो आप वर्स स्टाइलिटी नहीं दिखा सकते ना नयापन दिखा सकते हैं। तो इसलिए मैं बहुत चूजी हूँ अपने काम में डे वन से, ठीक है, आई नो दैट, डे वन से कि ना मैं किसी की कॉपी करती हूँ ना मैं किसी को, हाँ आप इंस्पिरेशन लेते हैं, आप आपको चीजें अच्छी लगती हैं लेकिन आपने उसमें अपनी एनर्जी देनी होती है। बिल्कुल सही बात है, आला बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे लगता है कि आपने जो जो अवतार अपनाए ना आज तक, स्टेज था, फिल्म, गाना, होस्टिंग, सारे डोमेन्स में आपने अपना एक खास स्टाइल रखा है। अल्लाह का करम है कि मैं एक ट्रेंड सेटर आर्टिस्ट हूँ और जो भी फॉर्मेट में मैं जाती हूँ वहाँ अल्लाह पाक मेरी इज्जतें रख लेते हैं, चाहे वो स्टेज हो, फिल्म हो, टेलीविजन हो, होस्टिंग हो, सिंगिंग की दुनिया हो या सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया आजकल आपको पता है एक बहुत बड़ा मीडियम बन चुका है और मैं भी देख रही हूँ वो सामने और तो दिस इज पावर ऑफ सोशल मीडिया। तो आपने बहुत ज्यादा अपने आप को सोशल भी करना है लेकिन आपने अपनी पहचान भी बनानी है और अपनी सोशल एक्टिविटीज को वैसा करना है कि लोग आपको देखें और इंस्पायर हो, और वो चीज कभी मत करें जो किसी को हर्ट करती हो। सो अच्छी चीजों को प्रमोट करें जिसमें आपके मुल्क की शनाख्त भी जाती है, जिसमें आपकी एक पर्सनैलिटी भी ग्रूम होती है, क्योंकि मेघा का कोई भी जैसर होता है वो पाकिस्तान के लिए होता है। सही, तो जो ये PSL का सॉन्ग है उसमें भी आपको सिर्फ पाकिस्तानियत नजर आएगी क्योंकि ये मेरे मुल्क का इवेंट है, तो इसलिए इसमें जो कह लें कि
मैं अपनी तरफ से एनर्जी दे सकती थी, जो एफर्ट्स डाल सकते थे वो हमने उसमें पूरी की। तो किस टीम को सपोर्ट कर रही हैं आप? मैं पीएसएल को सपोर्ट कर रही हूं। ओह माय गॉड, ये चीज। और हमेशा यही दुआ करूंगी कि पीएसएल पाकिस्तान में हो। तो लोगों से। और अभी तो चूंकि उन्होंने पार्शियली अलाउ किया है ऑडियंस को, अभी स्टेडियम को उन्होंने पूरा अलाउ नहीं किया ऑडियंस को कि वहां जाए, तो होपफुली जब अगले साल पीएसएल होगा तो स्टेडियम्स भरे होंगे ऑडियंस के साथ और हमारे ग्राउंड हमेशा इस तरह आबाद है। जबरदस्त, आप सपोर्ट कर रहे हो। अच्छा जी, आप मुझसे ना बोलते हैं बोले इंस्पायर्ड होकर आप आई थिंक लाहौर कलंदर्स के साथ थे। मैं भी नहीं देखता वैसे बात, लेकिन इतने जज्बा आता है कि चलो ये चाहते हैं जो इन्होंने बात बोली है कि हमारे पाकिस्तान को प्रमोट किया जाए, वो ज्यादा हमारे लिए होगी। हाँ, क्योंकि बहुत अरसे बाद ये पीएसएल यहाँ पे आया, तो बंदा इसमें इज्जत भी रखे और बरकत। अच्छा मुझे आप बताओ कि आपके फेवरेट मॉडल्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो मैं अपना खुद। ये ठीक है, अगला नाम बताओ। उसके अलावा आपको नाम जहन में क्यों नहीं आ रहे हैं? अली क्या हो गया आपको आज? 10 साल से काम कर रहे हैं दो ज्यादा भी दो बेसिकली शहजाद नूर से। ओ यस मी टू। और फीमेल्स में? फीमेल्स में लेकिन मेल मॉडल्स में शहजाद। ओके, या ही इज अ कंप्लीट पैकेज। हां यस, अब वो लगता है कि एक मॉडल है। यस यस। टिकटॉक के बारे में बात करना चाह रहा हूं मैं आपसे, वहां भी छाई हुई हैं आप, मेरे अक्सर फॉर यू पे ही आ जाती हैं घूमती झूमती। तो बताएं ये टिकटॉक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? और कहते हैं नेघा कि टिकटॉक ने आकर फेम का एक नया ही अवतार दिया जो कि टिकटॉकर से संभल नहीं रहा, ये भी कहा जा रहा है वैसे जो टिपिकल टिकटॉकर्स हैं। तो आपके क्या टेक है इस पर? पहले बताएं एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है आपका? देखिए मैं तो, मेरे लिए सोशल मीडिया कोई भी फॉर्मेट हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, इट्स जस्ट एन एप्लीकेशन। और हर बंदे के हाथ में है कि वो कभी उसको इंस्टॉल कर ले कभी उसको अनइंस्टॉल कर ले। तो ये चीज़ें मैं समझती हूँ कि आपके फेम को तकवीत देती हैं, लेकिन आपकी पहचान से मेरा ख्याल है स्टेबल नहीं रह सकती जब तक आप प्रॉपर काम नहीं करेंगे। देखिए आप अगर क्रिएटिव हैं तो उसके लिए आपको एक बड़े मीडियम की जरूरत है, जैसे सिल्वर स्क्रीन है, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री है, हमारी थिएटर इंडस्ट्री है। तो मैं समझती हूँ कि इनमें बहुत टैलेंट है, ये बड़े ही टैलेंट लोग हैं तभी सामने आए हैं, और मैं समझती हूँ कि इनको थोड़ा सा और ग्रूमिंग की ज़रूरत है और ये बड़े प्लेटफॉर्म पर जाएँ और अल्लाह करे कि इनको अच्छे प्लेटफॉर्म्स मिलें, ये काम करें। देखिए टैलेंट किसी का भी हो अगर वो सामने आ रहा है तो मैं उस पर रिस्पेक्ट करती हूँ। और टिकटॉक मेरे नज़दीक एक एंटरटेनमेंट फॉर्मेट है, आप बहुत छोटा मतलब 15 सेकंड की वीडियो उसमें ज्यादा से ज्यादा बनती है, तो अपडेट भी रखते हो अपने फैंस को, अपने फैंस को उसमें इतनी जल्दी फैन फॉलोइंग आपको मिलती है अगर आपका एक भी छोटा सा वीडियो वायरल हो जाए तो अब काफी हो गया। तकरीबन हर वीडियो ही वायरल होती है और वो एंटरटेनमेंट को बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं। मैंने आपको जैसे शो स्टार्ट हुआ तो बात की थी कि यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, लोग हंसना चाहते हैं, लोग मुस्कुराहटे चाहते हैं, तो मैं समझती हूँ कि वो आर्टिस्ट लकी है जिसको लोग देखते हैं और उसकी चीजों को लोग पसंद करते हैं, तो मैं वन ऑफ देम। आला देखा। और आप देखते हैं टिकटॉक के? नहीं मैं यूज करता हूँ टिकटॉक, तो मुझे एक्चुअली वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं लगता। मुझे लगता है कि अगर हम कोई जो प्रॉपरली काम किया जाए, जो हम जैसे हम लोग अब कितने सालों से ही कर रही हैं, मैं भी कर रहा हूँ, वो टिकटॉकर्स 15 सेकंड्स की वीडियोस बनाते हैं और वो कई भी खड़े होकर बना लेते हैं। मैं वही कह रही हूँ ना कि ये वो चीज नहीं है जो कि आपको एक मुकम्मल शोहरत की तरफ लेके जाती है। आपको पहचान तो मिल जाती है, देखिए अभी तो एक रेडी वाला भी अगर लाइव आकर बैठ जाए तो लोग उसके भी नाम से वाकिफ हो जाते हैं कि ये फलाना बंदा बैठा है। सब्जी वाला आया तो वो हिट हो गया, मतलब कोई भी आया तो हिट हो जाता है। सोशल मीडिया वो एक चीज आजकल कह लो कि एक बॉन फायर है। अभी देखिए पार्टी हो रही है, अभी हिट हो गई है। जस्ट 4 सेकंड। अच्छा मैं हैरान, वो नथिया गली गई या काश मैं गया होता, कहता पार्टी हो रही है। नहीं, अब आप देखिए इंस्टाग्राम पे 1 हफ्ते में 1 मिलियन। ओह माय गॉड। और आप देखिए हम प्रमोट किस चीज को कर रहे हैं, मतलब उसमें ऐसी क्या मतलब पार्टी हो रही है। मतलब हम किसी अच्छी चीज को प्रमोट देखें, जैसे ये मेहनत कर रहे हैं हम कर रहे हैं, ठीक है, वो 4 सेकंड की वीडियो पे जो आपकी कह लें कि एक फॉर एवर चीज है वो ये नहीं है, वो आपका काम ही है।
ये जस्ट फॉर अ डेज कुछ लोगों को याद रहेगा, फिर भूल जाएगा। आपके सामने माजी में कई मिसालें हैं, हाँ, सही जो आई और वैसे चली गई। कहते हैं जो आता जल्दी है फिर जाता भी जल्दी है, तो मीन ये कि अगर आपको अल्लाह ने एक मौका दिया है तो आप अपने आप को ग्रूम करें और आगे बढ़ें। तो शोहरत में से हर किसी को मिलती भी नहीं है। हाँ सही बात है। अच्छा बदलता मौसम अब कैसा फील हो रहा है आपको? गर्मियाँ तो आ रहे हैं, नवीद दे चुकी हैं अपनी, एसी ऑन हो गए हैं एंड वी आर फीलिंग हॉट, आई डोंट नो व्हाई। तो कैसे अब वेलकम कर रही हैं समर्स को? अभी तो स्प्रिंग है, अभी स्प्रिंग, लेकिन स्प्रिंग भी समर लग रही है मुझे तो आजकल। होती है फिर रात को जाती है, लेकिन जब धूप निकलती है तो फिर बहुत गर्मी होती है। गर्मी हम लोगों ने ड्रेस अप, मैं देखिए हाफ टी शर्ट में आ गया और मेकअप किया होता है तो ज्यादा गर्मी लगती है। तो ये है कि थोड़ा सा खुद को देखें, ज्यादा ना बाहर निकलें, थोड़ा सा बचें। लेकिन गर्मी की सबसे अच्छी चीज मुझे लगती है वो लगते हैं मैंगो। तो जब गर्मी आएगी तो मैंगोस भी आएंगे और मैंगो लवर हर मौसम को वेलकम करते हैं। पाकिस्तान में तो वैसे ही इतने खूबसूरत मौसम है, बिल्कुल सही कह रही हैं। और लकीली हम इसमें रहते हैं, आप देखेंगे जब बाहर जाते हैं तो वहाँ ठंड ही ठंड होती है या बारिश ही बारिश होती है। तो ये बहुत प्यारा खत्ता है, ये इस जगह की अल्लाह पाक ने क्या एक रखी हुई है इंसानियत की। अगर आप थोड़ा सा नॉर्दर्न एरियाज में जाएं तो ठंड है, अगर आप थोड़ा सा डेजर्ट एरिया में चले जाएं तो वहाँ गर्मी है। तो ये बड़ा मजे का सीन है। बिल्कुल जनाब, लाइव शो चल रहा है, आप हमें फॉलो करते हैं हमारे तमाम सोशल हैंडल्स पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, जहाँ जहाँ मैं हूँ वहाँ आइए, अपने होने का एहसास दिलाइए। सब लिखा निशा रहा है एड्रेस, प्लस डोंट फॉरगेट योर व्हाट्सएप नंबर, कोई फरमाइश करनी है मेघा जी से गाना इनका कर सकते हैं फौरन के फौरन, राइट? तीन का तड़का स्टार्ट करें फिर। तीन का तड़का? अभी कुछ आसान है ये भी। इसमें यह होगा कि हम कुछ तीन तीन चीजें पूछेंगे आपसे, आपसे स्टार्ट करते हैं। थ्री थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी। हाँ बताइए। माई वर्क, यस, माई ड्रेसेस and my family. वाकई और अच्छा एक बात है कि आपके ड्रेस बड़े एलिगेंट होते हैं, मैंने बात नोट किया है हमेशा। क्या बात है। थ्री थिंग्स जो आप बाय कर सकते हो लेकिन कभी बाय नहीं करोगे। आया ना पहाड़। ये मुश्किल मुश्किल है ना, पास करना है, चले पास करते हैं। थ्री थिंग्स दैट मेक अ ग्रेट हॉलीडे। हॉलीडे है तो तीन बेस्ट काम क्या करेंगे आप उस दिन? सबसे पहले तो नींद पूरी करूंगी। और उसके बाद फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे और थर्ड जो पेंडिंग काम रह गए हों उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्या बात है जबरदस्त। थ्री सेलिब्रिटीज यू स्टॉक ऑन इंस्टाग्राम। मैं फैसल कुरैशी को करता हूँ। अच्छा हाँ, अच्छी बातें करता हूँ। और अब रिसेंटली जो इमरान अशरफ है, इमरान अशरफ ने बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है। मैं उनसे रक्षा में अच्छा जा रहा है। और तीसरा नाम? तीसरा बता दिया। हाँ वो भी तो लेजेंड बन गए। क्या उनको बहुत कॉपी करता हूँ उनकी एक्टिंग को। यस बहुत awesome। थ्री थिंग्स दैट यू थिंक दैट हैपन विल इन योर फ्यूचर हो जाएंगे। फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना है, लेकिन आप उम्मीद करती हैं कि ये होना चाहिए। मैं बस उम्मीद करती हूँ कि मेरे पाकिस्तान में सब होना चाहिए और यही मेरी प्रेडिक्शन है और यही मैं सोच रखती हूँ। और प्लस हमारी जो अपनी चीजें हैं हम उनको लाइक करें, हम जो इम्पोर्टेड चीजें लेकर आते हैं उसको थोड़ा सा डिस्काउंट करना। ये हमारा बहुत है, इन कपड़े भी अब तो हम लग रहा है कि इम्पोर्टेड में जा रहे हैं, वो पहनो ये मॉड होता है। सही है। अच्छा आगे चलते हैं, आपके लिए थ्री थिंग्स यू आर अफ्रेड ऑफ। जब चली जाएगी। दूसरा ये कि अफ्रेड नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप अल्लाह ने आपको जिंदगी दी है तो उसको खुशी से जियो। हाँ, अल्लाह पे भरोसा करके जियो। सही बात है। थ्री कंट्रीज यू वुड लाइक टू विजिट, जाना चाहती हैं आप? आई नो फिर तो सब चुकी हैं आप, लेकिन योर फेवरेट थ्री कंट्रीज कौन सी हैं? अब मेरा प्लान विजिट के लिए इजिप्शियन। मैं होके आ गया हूँ इजिप्ट से। और पता आप कायरो अदरू जाना है आपने बोले ना, थ्री वो पिरामिड्स जो है सेवन, एक तो मैंने वहाँ जाना है, बेस्ट जगह है। और दोबारा से मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह उम्र के लिए वो तो पक्का है। और बस मेरा ख्याल यही है तो ओके जबरदस्त। तो देख लिया बाकी जहाँ देख लिया माशाल्लाह। सही है सही है। थ्री प्रेजेंट्स यू गॉट टिल नाउ, बेस्ट थ्री प्रेजेंट्स गिफ्ट्स। वॉच, ओके, सेलफोन। Nice. ये बड़ा कॉमन गिफ्ट हो गया आजकल, प्यारों को दे दो एक हाईएस्ट टॉप नॉच फोन। लास्ट एक्सपेंसिव भी बहुत हो गए जी, बहुत हो गए और उतने हैंग भी होते हैं और उतने हैंग भी हो रहे हैं। अच्छा जनाब लास्ट आ गया हमारा,
थ्री थिंग्स यू लव अबाउट समर्स. एक तो आपने आम बता दिए, दो और बता दें. क्लॉथिंग. ओके हाँ ठीक है, डिफरेंट ओके या बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त हो गया. आखिरी आपका है, थ्री एक्सक्यूजेज यू मेक व्हेन यू डोंट रीच ऑन टाइम. तीन बहाने बताओ टॉप नॉच. जैसे मैं अपने काम पर बहुत थैंकफुल हूं. Really? मैं आज भी टाइम पे पहुंचा. हाँ ये बात माननी पड़ेगी फिर अब. इसलिए मैं एक्सक्यूज ही देता क्योंकि किसी की सक्सेस के लिए उसको टाइम पर पहुंचना. लगता है कि हमारे दो लेजेंड्स का असर आप पे आ गया है कि आप हर बात अच्छी अच्छी कर रहे हैं. लेकिन फिलहाल हमें जाना है अगली परफॉर्मेंस की तरफ. ओह ग्रेट, वी हैव जस्ट लव टू हैव योर परफॉर्मेंसेस. तो आइए जनाब फिर छा जाइए. नाज़रीन ये लाइव शो है, वी हैव विद अस द करिश्मेटिक द अमेजिंग द ब्यूटीफुल मेघा जी, जिनकी आने वाली है धुआंधार परफॉर्मेंस. आइए. थैंक यू. क्या बात है. थैंक यू. आई मीन हम दोनों झूम रहे थे, नाच रहे थे, बहुत आला. और एक और गेम आ गई जनाब, मुहावरा टाइम. ओह माय गॉड, ये मजे की होती है. आप टीम ए हैं, आप टीम बी हैं, आपने एक्टिंग करनी है. ठीक है, और इन्होंने गेस करना है, इन्होंने करना है. ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट विद यू. ओके ठीक है जी. और एक जानवर के बारे में. एक मछली. उर्दू में बहुत चैटिंग किया था. एक मछली. एक्टिंग तुमने, एक्टिंग आपने शानदार किया, बहुत आला. हाँ एक ऐसा फल है मेघा जी जो बहुत हेल्दी किस्म का होता है. फल एक मशहूर तो वही है फिर, एक अनार. क्या और बीमार गया. exactly, क्या बात है जी, सुपर से बहुत ऊपर. चलो लेकिन वो जानवर का नाम बता लेना. ये हाँ मैंने तो पहले बताया. अब बताए. अबील मुझे मार. अबील मुझे मार. मैं कहता हूँ एक मुहावरा बता कि नकल के लिए अकल की जरूरत होती है. सुपर से बहुत ऊपर. आप क्यूट टू लगे इस बात पे. एक और अब आपका तो हो गया ना. सॉरी आपका चैलेंज करने वाले बोला ना, करते हैं ना वगैरह गेस कर लेगा. चले ठीक है. क्या है? आसमान से अटका. नहीं आसमान. अब दोबारा करो. आसमान से गिरा खजूर में अटका. ये चीज एक्टिंग अच्छी कर रहे हो वाली. नाइस वन, नाइस वन. एक और करते हैं, ये मजा आ रहा है मुझे गेम का. तो अब ये करते हैं, अब ये मैं क्या करूं. क्या फेवरेट जानवर आपने चूज किया. जानवर जो है ना आजकल ठीक है, डन हो गया. ओ यस क्या बात है, बहुत आला. आसान है वैसे ये, मतलब जानवर जो कुर्बानी भी होता है उसके बारे में. ठीक हो गया. चले. अच्छा कुर्बानी. बकरे. बकरे. आगे एक्टिंग तो करो ना बेटा. बकरे के बाद क्या कसाई है. देखिए मैं एक्टिंग कर रहा हूं साथ. बकरे की माँ. ये चीज बकरे की माँ कब तक खैर मनाए. ये कहते हो माँ तो होता है. लास्ट मुहावरा आ गया जी आप लोगों का. ये तो बड़ा मशहूर है. ठीक है ठीक है, मशहूर मुहावरा है ये. ठीक है देखें. जीते जी. नहीं, आपको लगता है जीते जी मर गए. सुपर तो बहुत ऊपर है आप. अली बताओ बेटा. ये क्या होता है. मनी. यस तो क्या होती है.
इनको नहीं आना, बताऊं आपको, मुश्किल लग रहा है, मुश्किल लग रहा है। यस, ये जितनी चादर फैलाने चाहिए तो आपने गलती कर दी है। अब ठीक है, अभी तक आप जीत रही हैं, आप सारे सही थे, और अब लास्ट आ गया है जो कि आपके लिए होगा। ओके, ठीक है, जो आसान है काफी, करें। हाँ, तो आसान है, वो तो मुंह से भी बोल रहे हैं, जितने मुंह उतनी बातें। ये चीज और टीम ए जीत गई, चारों उन्होंने गेस कर लिए, हालांकि आसान थे, मुश्किल नहीं थे, सही बात है, मदद हो गया। अच्छा, जितने गाने अब तक गा चुकी हैं आप, दिल के पास कौन सा है? वैसे सब भी आपके फेवरेट होंगे अपने, मतलब हमने हमारे चॉइस पसंद है आपकी, लेकिन दिल के पास एक गाना होता है तो बड़ी मेहनत से गाया होता है, उसका रिस्पांस भी ऑसम फीडबैक आता है। मेरा जो फर्स्ट सॉन्ग था उसको इंटरनेशनल रिस्पांस मिला था, क्योंकि वो वरिंदर अभिष जी ने मेरे साथ कंबाइन किया था इंडिया से, तो वो मेरे बहुत दिल के कौन बॉर्डर वाला बॉर्डर दिखाना चाहिए लोगों को, बिल्कुल दिखाना चाहिए, और वीडियो होनी चाहिए, वीडियो सॉन्ग ऑफ द डे। एक और गाना दिखाते हैं आपको बॉर्डर, और बॉर्डर गाना के मजेदार बहुत है कि वो एक यू नो यूनिट थी और उसके साथ जाता था, आई देखते हैं बॉर्डर वापस आते हैं तो बहुत सारा हल्ला गुल्ला करते हैं। कितनी कैपिंग करूंगी, यू आर द बेस्ट। एक बड़ी मजेदार गेम खेलते हैं अक्सर हम, रैपिड फायर राउंड, हम कुछ सवाल करते हैं फास्ट फास्ट, रूल ये होता है कि हमें ठक ठक जवाब देने होते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं आपसे ही। इफ यू कुड बाय एनी टाइप ऑफ फूड राइट नाउ, क्या बाय करना चाहेंगे आप? पिज्जा। नाइस। व्हाट कलर इज योर टूथब्रश? ब्लू। ओके, अगर एक फिल्म बनाए आपकी लाइफ पे तो नाम क्या रखेंगे? मेघा की कहानी। मेघा की कहानी की जुबानी, बहुत आला। इफ यू कुड बी एनी फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम, कौन सा होता है? चॉकलेट। चॉकलेट, व्हाई? आई डोंट लाइक चॉकलेट। इफ यू कुड गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, कहाँ जाना चाहेंगे आप? सऊदीया। वेरी नाइस, सही बात है। व्हाट इज योर ड्रीम जॉब? मेरा ड्रीम जॉब है सही है, काम ही है, इसी में मैं सक्सेस। सही है। आर यू अ मॉर्निंग और अ नाइट पर्सन? बोथ। आज आप शो में आप आई हैं, 10 बजे आपने आना था, एग्जैक्ट 10 बजे में 1 मिनट पे नाजरीन शी वॉज क्लाइंबिंग द स्टेयर्स। अरे मेघा जी इतनी प्रोफेशनलिज्म, ये सही बात है, ये मैं तो खुद गवाह हूँ। गाड़ी दो लोग मैंने लाइफ में नाजरीन में आप ऑन एयर बता रहा हूँ, मैंने देखे आप एक हैं और एक और भी है, मतलब वो कौन है? रीमा जी। ओ माई गॉड, 10 बजे का मतलब था 9:59। देखिए आपकी कामयाबी में सही बात है, आपको आगे लेकर जाती हैं। थक रीमा जी आती हैं, माइक ऑन होता है और फिर खत्म। वन ऑफ माय फेवरेट है ना, सबकी फेवरेट, सही बात। काम भी बहुत इकट्ठे किया। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको नींद में बोलने की आदत हो क्या बोलोगे? मैं चाहता हूँ अल्लाह का नाम ही बोलूं। नाइस नाइस। अगर आपको इनविजिबल कर दें कहाँ जाना चाहेंगे? फिर तो मेरा जहाँ दिल करेगा, जहाँ दिल करेगा आप जाएंगे, सही बात। अपने हस्बैंड के पीछे के भाई कहाँ है? सही है सही है। आपको दिए जा रहे हैं 15 मिनट्स ऑफ फेम, क्या करोगे उस टाइम? मैं उस चीज का मजा लूंगा कि मुझे फेम का टाइम मिल रहा है। हाँ सही है सही है, बिल्कुल ठीक है। एक ख्वाहिश जो अधूरी है अभी तक? कोई नहीं। हाँ आपकी तो माशाल्लाह सही बात है, जबरदस्त हो गया। अच्छा एक और सवाल पहले आया था, मैं चेंज करता हूँ। इफ यू कुड पेंट एनीथिंग, क्या पेंट करोगे? हाय हाय, आज वाकई तुम बातें काफी अच्छी कर रहे हो। अल्लाह, घर की बैक साइड को भी पेंट कर लिया जाए, नॉट बैड। अक्सर वो बारिश पड़ पड़ के खराब हो जाती है। इफ यू कुड टॉक टू द प्रेसिडेंट, क्या बात करती हैं आप? हमारे तो प्रेसिडेंट साहब नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करनी चाहिए। प्लीज महंगाई को कंट्रोल करें, बहुत ज्यादा महंगाई हो रही है। मैं कहता हूँ वो गाड़ी जो 20-30 की थी अब 30 की हो गई है, बहुत टू मच एक्सपेंसिव। जो 60 की थी वो करोड़ क्रॉस कर गई है, ये क्या हो रहा है? बिल्कुल बहुत महंगाई हो गई है, बस इस पर थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 कितने कूल हैं आप? सही, 6 मार्क्स देंगे अपने आपको। पूछू मैं आपसे तो 10 out of 10
हाँ होना ऐसे ही चाहिए वैसे, है ना? सही बात है, बिल्कुल सही है। एक वर्ड जो आप बहुत ज्यादा यूज करती हैं। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ बार बार। सही, और सही, ये आई विल बी ऑन टाइम। एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल सही है। अगर आपको मौका दिया जाए टीचिंग करने का, क्या सब्जेक्ट पढ़ाओगे? इंग्लिश। ओके, आसान लगती है। कौन सा फैशन ट्रेंड आप बहुत अच्छा कैरी करती हैं? जो भी मौके के हिसाब से हो, मैं जैसा देश वैसा देश। सही है, सही है। मुझे वो चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है जो आउट ऑफ द वे नजर आ रही हूँ। जहाँ मुझे ईस्टर्न ड्रेस पहनना है तो मैं मॉडर्न पहन के चली जाऊँ। इसलिए आप भी कहते हैं कि आपकी ड्रेसिंग में बहुत एलिगेंसी, बहुत एलिगेंसी है, मैं तो खुद मानता हूं। तो थोड़ा सा मैं इसका ख्याल करती हूं। जबरदस्त हो गया। गोल्ड और सिल्वर? सिल्वर। सिल्वर, व्हाई? आई लाइक सिल्वर एक्चुअली। क्या बात है, जबरदस्त हो गया। आपका निकनेम? किटी। किटी किसे रखा था घर से? मतलब बचपन से आपको वो चलता चला आ रहा था। जबरदस्त हो गया। और अगर आप कोई अवार्ड विन कर जाएं, क्या अवार्ड विन करोगे? मेरा तो ड्रीम है बेस्ट एक्टर अवार्ड। इंशाल्लाह अभी तो एक्टिंग थोड़ी सी और करो तो इंशाल्लाह हो जाएगा। जबरदस्त हो गया। कहते ना ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो ये तो खत्म नहीं होता। अच्छा, जबरदस्त गेम, बहुत मजा आया। अच्छा मुझे बताएं कि कहते हैं कि दोस्तियां शोबिज की बहुत शॉर्ट लिफ्ट होती हैं। होती नहीं है। आपके क्या टेक है इस पे? नहीं, दोस्ती नहीं होती इसमें। अच्छा। इस फील्ड में दोस्ती हो नहीं सकती क्योंकि हर कोई आपसे मतलब के लिए ही मिल रहा होता है और फायदा नहीं है। बेहतर ये कि आप अपने काम से दोस्ती करें और अपनी फैमिली से दोस्ती करें। बाकी आपने आना जाना तो सबके तरफ रखा होता है, आपका प्यार भी होता है तो वो रखना पड़ता है, दुनियादारी है। एग्जैक्टली। लेकिन ये बहुत शॉर्ट टाइम होती है। और आप? इसको प्रोफेशनलिज्म समझता हूँ कि दोस्ती तो नहीं होती, कलीग्स होते हैं। अच्छा, who is a better friend, boys boys, girls girls या girl boy? अब बताओ। मेरे ख्याल से दोनों ही होता है अपने काम से related। एक बताना है ना, कैसे नहीं चलेगा? लड़की लड़के, लड़की लड़का अच्छे friend होते हैं ज़्यादा। आप क्या कहती हैं? हमें आपकी राय चाहिए इस पे। मेरा ख्याल है कि colleagues अगर हैं काम करें तो that will be fine, दोस्ती हो नहीं सकती। Exactly, हो नहीं सकती, वो इसलिए कि वो acceptance ही नहीं है पहली बात तो ये। बाकी आप जाते हैं, मिलते हैं, आपकी सलाम दुआ तो सबसे ही होती है। So that I think more than enough। मैं कह रहा हूँ शो अपने ऑलमोस्ट एंड पे आ रहे, लेकिन एक सवाल बनता है आपसे, बहुत जरूरी है। जहाँ पे मैं हूँ सवाल ही पैदा नहीं होता। ओह माय गॉड, यहाँ से सवाल पैदा कर लिया। ये आला आला बातें जो आप करती हैं ना, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे बताएं कि स्टेज का थोड़ा बता दें मुझे, थिएटर का। कब फैमिली थिएटर में जाने वाली है? हमारी फैमिली क्यों थिएटर में जाती है बताइए? हम कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही। I never took my family। अच्छा, मेरी थोड़ा सा मैं यहाँ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगे तो क्योंकि देखिए आजकल जितनी एडवांस हमारी पब्लिक हो चुकी है, वो तो यूट्यूब पे सब कुछ देख रही है। फिर आप खाली थिएटर को भी बार बार क्यों इतना एग्जाम देते हैं? चेंज हो चुकी हैं चीजें बहुत हद तक। आपको लग रहा है? अच्छा, मुझे लग रहा है थिएटर लोग जाते हैं देखने, फैमिलीज अक्सर वहाँ पर होती है, लेकिन अब वो टाइमिंग बहुत ज्यादा लेट हो गई हुई है। पहले टाइमिंग जब मैंने स्टार्ट किया था ना प्ले, तब ड्रामा 8 बजे स्टार्ट होता था। अब देखिए ड्रामा 11 बजे स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें भी बहुत ज्यादा सेफ्टी भी नहीं है, तो आधी रात को बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? अब मैं ये बात कहूँ कि थोड़ा सा टाइमिंग को देखें, थोड़ा सा स्क्रिप्ट को देखें और अपना सेल्फ सेंसर खुद करें, तो बुरी बात तो नहीं है ना। बाकी एक कमर्शियल चीज है, आप उसको कमर्शियली यूज कर रहे हैं। अब पहले चंद 100 की टिकट होती थी, अब हजारों की टिकट है, तो बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं। लेकिन एक चीज को बार बार ब्लेम गेम करना, ये बुरी बात है। 8 मार्च करीब आ रहा है, खवातीन का आलमी दिन, एंड यू आर अ प्राउड खातून, लेडी, लड़की ऑफ दिस कंट्री। क्या कहेंगी पैगाम हमारी खवातीन घर बैठे? आई एम श्योर बहुत सारी लड़कियां खवातीन घर बैठी देख रही होंगी आपको। हाँ बिल्कुल, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें और अपनी खवातीन को जरूर एजुकेट करें। और कहते हैं ना कि एक औरत को एजुकेट करो, वो पूरा एक फैमिली को एजुकेट कर देती है। तो लाजमी लड़कियों की तालीम पर तवज्जो दें क्योंकि वो पूरे मुआशरे की एक तरबियत हो रही होती है। सो बी स्ट्रॉन्ग और खुश रहें और अपना भी ख्याल रखें, साथ अपनी फैमिली का भी ख्याल। हमें बताया गया है कि आप कुछ लेके आ रही हैं 23 मार्च को भी। क्या है वो स्पेशल चीज, कुछ आ रहा है? ऑब्वियसली एक सॉन्ग रिलीज हो रहा है। देखा, मेरा होमवर्क बिल्कुल ठीक था नाज़रीन। जो हम पाकिस्तान आ रहा है तो बहुत इम्पोर्टेंट डे है। तो 23 मार्च के हवाले से ग्रेट पाकिस्तानी
तो आप जरूर देखिए। और क्या प्लान्स हैं आपके इस साल को लेके? अब नया साल, नई उमंगे हैं, क्या करना है स्पेशल अब इस साल में? अभी तो जस्ट PSL को फोकस किया हुआ है, अब 23 मार्च की तैयारियां हैं, फिर आगे मदर्स डे आ जाएगा, फिर ऑनवर्ड ईद आ जाएगी, और माशाल्लाह भी हैं आपके भी हैं, लेकिन जब कोरोना थोड़ा खत्म हो जाए, क्योंकि आपको पता बाहर जाके ज्यादा परेशानी होती है, तो इसलिए मैं अभी टूर्स नहीं कर रही, पाकिस्तान में हूँ। तो इंशाल्लाह जैसे ये कोरोना पूरी दुनिया से खत्म होगा फिर मेगा छाएगी। और आपके कोई प्लान्स हैं? अब शादी तो हो रही है माशाल्लाह से, अब बस यही बहुत बड़ा प्लान है, शादी हो रही है और उसके बाद तो बस मेरे प्रोजेक्ट नहीं करनी है। हाँ, मेरा वही कंटिन्यू है, वही चल रहा है। बहुत शुक्रिया अली, आप शो में आए, पैगाम दोगे? थैंक यू सो मच। अपने फैंस को पैगाम? मैं सिर्फ ये कहूँगा जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, सबसे पहले तो इस चीज में पेशेंस रखें, दूसरा अपने काम के साथ सिंसियर रहें और सबके साथ अच्छा चले। बहुत शुक्रिया अली फॉर बीइंग हियर। वो आई, वो छाई, वो पता कर जाती है, जानते तो है कौन है, द ग्रेट मेघा जी। बहुत शुक्रिया, दिल से करूंगा, क्योंकि आप जिस जिस मेरे एपिसोड में आती है ना, वो एपिसोड रेटिंग भी बहुत लेती है, और प्लस यू रॉक। थैंक यू। एनी पैगाम दिल से फॉर योर मिलियन फैन, मिलियन ट्रिलियन फैन है आपके? जी बिल्कुल, आपके लिए और आपके की ऑडियंस के लिए यही पैगाम है कि खुश रहें और दूसरों की खुशियों की वजह बने। वाह, शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट था ये पैगाम। बहुत बहुत शुक्रिया मेघा जी। एंडिंग करेंगे हम PSL के गाने में ही, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जोश से ज्वाइन करें आपको। नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने का, आज राशिद महमूद साहब, मेघा जी और अली ने आज वाकई रंग जमा दिया। इट्स प्लेजर हैविंग यू गाइज ऑन द शो, जस्ट रॉक बिग टाइम। नाज़रीन, आपने भी आज का शो से बहुत कुछ सीखा भी होगा, इंजॉय भी किया होगा, और वो आऊ वो स्केरों के उठता वो आऊ, आई लव्ड इट। डू ज्वाइन अवर इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, जहां जहां हम हैं, एंड डोंट फॉरगेट अवर व्हाट्सएप नंबर। कल मिलेंगे, नया शो होगा, नई बातें होंगी, नए गेस्ट होंगे। फिलहाल मेगा परफॉर्मेंस द लास्ट वन PSL, अल्लाह हाफिज फ्रॉम माय साइड। तो कल मिलते हैं, आइए देखते हैं परफॉर्मेंस, आ जाइए।